गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट सेशन आई टॉट यू टेंसेस दैट वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट टुडे आई विल टीच यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो स्टूडेंट्स, देर आर सम रूल्स रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस दैट आर रिटन ऑन द बोर्ड, सो पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। आइडेंटिटी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, इट शो द इंफॉर्मेशन, और यू कैन से इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पास्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा टेंस या ऐसा सेंटेंस जिससे हमें पास्ट की कोई जानकारी मिले, कोई मैसेज दे, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी जाएगी, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और अदर वर्ड आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सी एट फूड। सी क्या है? आपका सब्जेक्ट है। एट क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड फूड इज ऑब्जेक्ट। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, यू कॉल्ड योर ब्रदर इन द पार्टी। यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्ट है। यू के साथ क्या लगा हुआ? सेकेंड फॉर्म लगी हुई, यानी सेकेंड फॉर्म लगने का मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये अदर वर्ड लिखा है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। जब हम इसका निगेटिव फॉर्मेशन करेंगे तब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे, उस समय फिर पास्ट इंडेफिनिट के साथ सेकेंड फॉर्म ना लगा करके फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? तो हम लोग अब निगेटिव, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, पर सेकेंड फॉर्म का यूज ना करके डिड का यूज करते हैं। तो देखते हैं इसका क्या रूल होगा। सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड लिख देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि अभी तक था कि सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, लेकिन अब डिड नॉट का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यानी सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब डिड का यूज हो जाएगा तो सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कह दिया है द कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है जो हमारे घर की सामान, खिड़की, दरवाजे, बेड ये बनाता है। द कारपेंटर डिड नॉट मेक माई फर्नीचर। तो यहाँ हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, ये निगेटिव फॉर्मेशन होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है सी डिड नॉट परचेज अ कार। यहाँ पर भी हमने देखा कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परचेज का यूज किया गया है, यानी जब भी वर्ब डिड नॉट का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर सिंपल होगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी और डिड नॉट का यूज नहीं होगा। इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो जैसा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। पहला तो तब बनता है जब सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड। क्या है? तो इसके लिए जो रूल होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा, डिड का यूज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का और फिर अदर वर्ड का लास्ट में मार्क का क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं जैसे लिखा हुआ है, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द पार्क
Did you not talk in the class? इस तरह के सेंटेंसेस हमने देखा। सेंटेंस किससे स्टार्ट है? डेड से, कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, नॉट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड है। तो इसका फॉर्मेशन जो होगा वो इसी तरह से होगा। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर नॉट दिया हुआ है सेंटेंस में तो नॉट लिख देंगे, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिख देंगे। इस तरह से हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस फ्रेम हो जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, इसी तरह से दूसरी तरीके सेंटेंस कैसे बनते हैं फ्रेंड्स। मेन सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड को ही डब्ल्यू एच टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब्ल्यू एच टाइप। तो क्या करेंगे, जब सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा या क्वेश्चन वर्ड टाइप से होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही डब्ल्यू एच टाइप वाला डब्ल्यू एच लिख देते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया होगा वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, अगर नॉट है तो नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, व्हाई डिड द प्रिंसिपल नॉट स्कॉल्ड द स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले देखा हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज कर दिया, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड का यूज किया गया है, फिर सब्जेक्ट का यूज किया गया है, फिर नॉट का यूज किया गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ये ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया गया। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे। और देखो इसी में कैसे लिखा हुआ है, व्हाई डिड द फादर नॉट गो टू ऑफिस टाइमली, इस तरह भी सेंटेंस हो सकता है। सबसे पहले क्या लिखा है, व्हाई यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फादर नॉट लिखा हुआ है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यानी इस तरह से सेंटेंस हमारा फ्रेम हो जाएगा। अब एक तरीके का सेंटेंस और होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, जब सेंटेंस आपका हु से स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एच हु से, तो हु वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छुपा रहता है, और जब सब्जेक्ट छिपा रहता है तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस की तरह बनता है। यानी पहले हु का यूज़ कर देंगे, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। यानी हु वाले सेंटेंसेस जब भी बनाएंगे तो वो सिंपल सेंटेंसेस की तरह ही बनते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते थे, हु वाले सेंटेंसेस में भी हु के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अंतर इतना होता है, इसमें क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, इसलिए यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा और डब्ल्यू एस से स्टार्ट होता है। जैसे हमने कह दिया, हु बॉट टिकट फ्रॉम द विंडो, तो इस तरह से सेंटेंस भी हमारे बन जाते हैं। केवल हु वाले के लिए है, और भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही ये रूल लागू होता है, बाकी किसी टेंस में लागू नहीं होता है। ये वो लिखा हुआ है, वो के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और ये अदर वर्ड लिखा है। यानी जैसे सिंपल सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंस बनता था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, ठीक उसी तरह से हु वाले सेंटेंसेस में हु के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। फिर ये टिकट लिखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वैसा ही लिख दिया। एक सेंटेंस में अच्छा और देख लो, जैसे लिखा है, हु टॉट यू इंग्लिश इन द क्लास,
तो ये लिखा हुआ है वो टाइटल इंग्लिश प्रभु के बाद क्या लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म पे यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट लिखा है ये भी ऑब्जेक्ट है और ये आपका अदर वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप का ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से फिनिश हो गया। इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करनी है जो आपको दी जाएगी।